बहुत सारे लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मिनाल भाई सही आप इन्फॉर्मेशन तो देना है, आप बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोसेस होता है, क्या क्या सिस्टम होता है, क्या क्या सीन होता है, मगर कभी यूनिवर्सिटियों के नाम तो बताएं ना। ये वाली वीडियो वही है बस। मैं इस वीडियो में टॉप जर्मन यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊंगा जो 2019 की एजुकेशनल रिपोर्ट में आई है इस साल। इन यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में मेडिकल यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, बिजनेस यूनिवर्सिटीज सारी मिक्स है। वेबसाइट्स पे जाके इन यूनिवर्सिटीज की चेक कर लीजिएगा आप लोग। बाकी इन यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनिवर्सिटीज टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए इस साल की। और हाँ, ये सारी जो टॉप यूनिवर्सिटीज की मैं लिस्ट बता रहा हूँ, ये सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, बिल्कुल फ्री है, या एजुकेशन फ्री है, कोई फीस नहीं होती। ज्यादा ज्यादा रेजिडेंस की फीस होती है और वो इतनी ज्यादा नहीं होती, पर सेमेस्टर शायद 200-300 देने पड़ते हैं। असल में अभी अभी नहाकर निकला हूं तो बाल बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, बुरे तो नहीं लग रहे ना। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैमबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ हैमबर्ग जो वेस्ट साइड पे आती है, यूनिवर्सिटी के नॉर्थ वेस्ट साइड पे आती है यूनिवर्सिटी के, और ये वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज है जर्मनी की और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैमबर्ग इस यूनिवर्सिटी का नाम है। इसमें इंजीनियरिंग कोर्सेज और बिजनेस कोर्सेज और मेडिकल कोर्सेज, तरह तरह के हजारों कोर्सेज ऑफर होते हैं, और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ जर्मनी की इस साल की लिस्ट में ये है। उसके बाद मेरे शहर के पास आते हैं, क्योंकि मैं बर्लिन बहुत ज्यादा जाता हूँ, बर्लिन मेरा फेवरेट सिटी है। तो बर्लिन में चार यूनिवर्सिटीज हैं, बर्लिन यूनिवर्सिटी अलायंस, बर्लिन। मैं जर्मनी में रहता हूँ ना तो मेरे मुंह पे बर्लिन चढ़ गया है, बर्लिन कहते हैं मगर मेरे मुंह पे बर्लिन बर्लिन चढ़ गया है ना। वो जब भी कोई बर्लिन जा रहा होता है ना तो बहुत फेमस कोट है, बर्लिन बर्लिन विफान नाक बर्लिन, इसका मतलब है कि हम लोग बर्लिन ड्राइव करके जा रहे हैं। खैर, तो बर्लिन यूनिवर्सिटी अलायंस में चार यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिनमें से सबसे पहली यूनिवर्सिटी है फ्राई यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। इसके नाम ही से पता चल रहा है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं, और ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किल है एडमिशन लेना जर्मनी में, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ हर साल जाती हैं, तो काफी मुश्किल होता है और टफ टेस्ट होते हैं यहाँ के। बर्लिन की सेकेंड यूनिवर्सिटी है हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी, थर्ड यूनिवर्सिटी है टेक्निशट यूनिवर्सिटेट, मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, और फोर्थ यूनिवर्सिटी है शारीटे यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है और ये नाम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा ही होगा, तो इसका नाम है शारीटे यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। जो लोग भी मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है मेडिकल की, काफी फेमस जो इस साल लिस्ट में आई है, और अगर आप लोग मेडिकल पढ़ना चाहते हैं तो हाँ, इसमें अप्लाई करें। थोड़ा सा और नीचे उतरते हैं और वेस्ट साइड पे एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन, बॉन के शहर में ये यूनिवर्सिटी है, और इसमें भी सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। वैसे ज्यादातर फेमस यूनिवर्सिटीज वेस्ट साइड की होती है, क्योंकि वेस्ट साइड कहते हैं कि जर्मनी का काफी अमीर जगह है। वैसे तो मुझे फर्क नहीं लगता, मुझे तो जितना महंगा बर्लिन लगता है, क्योंकि बर्लिन ईस्ट साइड पे उतना ही महंगा मुझे हैमबर्ग भी लगता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन के बाद है RWTH Aachen, ये यूनिवर्सिटी का नाम है। RWTH stands for Rheinisch Westfälische Technische Hochschule, RWTH। इसका मतलब है एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी, और यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए काफी फेमस है। इसके बाद लिस्ट में हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रेस्टीजियस स्कूल्स माना जाता है जर्मनी का, और ये पूरी तरीके से एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और काफी रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद काफी फेमस इंस्टीट्यूट आता है कार्लसरूए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो भी जर्मनी में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको 2-3 यूनिवर्सिटीज के नाम जरूर पता होते हैं, कार्लसरूए का, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन का, यूनिवर्सिटी ऑफ हैमबर्ग का, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिशन का। तो कार्लसरूए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके नाम से पता चलता है कि एक टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग फील्ड ज्यादा है। उसके बाद आती है ट्यूबिंगेन यूनिवर्सिटी, और ये यूनिवर्सिटी अपनी रिसर्च पेपर्स की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर है जर्मनी में। टॉप लेवल रिसर्चर्स हर साल इस यूनिवर्सिटी से निकलते हैं जर्मनी की। काफी छोटे से शहर में एक यूनिवर्सिटी है, ट्यूबिंगेन का शहर काफी छोटा सा है, वो इतना बड़ा शहर नहीं है, मगर ये इस यूनिवर्सिटी की वजह से वो ज्यादातर मशहूर है शहर। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टांस है, ये एक इलाके में बादेन वुर्टेम्बर्ग, उस इलाके का नाम है जर्मनी में, और कॉन्स्टांस, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्स्टांस इस यूनिवर्सिटी का नाम है। मैंने बहुत सारे नाम ले लिए बहुत सारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, और ये इस साल की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, और मैं ये नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मिनाल भाई अब यूनिवर्सिटीज के नाम बताएं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी है वो एक बहुत छोटे से शहर में, उस शहर का नाम है ड्रेसडन। बहुत खूबसूरत शहर है, मैं एक दफा ड्रेसडन जा चुका हूँ जर्मनी में, और बहुत खूबसूरत शहर है, और उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन। और फिर इस लिस्ट में आखिरी दो यूनिवर्सिटीज दोनों मेंशन की हैं, म्यूनिक की हैं, जिसमें से पहली है लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। ये अपने आर्किटेक्चरल डिजाइन की वजह से सबसे ज्यादा मशहूर है यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी ही बहुत खूबसूरत है, और ये जर्मनी की 6th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है जो कंटिन्यूअसली इसको बिल्डअप करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली ऑपरेशनल होती है। और इस लिस्ट की लास्ट यूनिवर्सिटी है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, जो कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त इसका आर्किटेक्चरल डिजाइन है। वो दिखाते हैं ना कि फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक स्टूडेंट स्लाइड्स में आ रहे हैं, सीढ़ियों से नहीं आते ना, लिफ्ट से आते हैं, स्लाइड्स से आते हैं,
और इसी के साथ लिस्ट खत्म होती है। ये थी टॉप 14 यूनिवर्सिटीज जो 2019 की रिपोर्ट में जर्मनी में आई हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने पहले बर्लिन यूनिवर्सिटी का नाम लिया तो बर्लिन टॉप पे और आखिरी में म्यूनिख यूनिवर्सिटी का नाम लिया तो म्यूनिख सबसे नीचे। सारी यूनिवर्सिटीज ये एक ही बराबर है और इस लिस्ट में कोई भी रैंकिंग नहीं थी, बस इसमें लिखा हुआ था कि कौन कौन से शहर के हिसाब से कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है और ऑल ओवर कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज है जर्मनी की। मैंने आज पब्लिक यूनिवर्सिटीज के नाम बता दिए, अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं खुद जाके। और फिर मैं ये वीडियो पुरानी वीडियो के कुछ बेस्ट कमेंट्स और सवाल पढ़ के खत्म करता हूँ। और बेस्ट कमेंट ये वाला था कि मिनाल ब्रो फॉरगेट अबाउट दीज हेटर्स, आज मैं जर्मनी में आपकी वजह से बैठा हूँ, यू मेड माई लाइफ ब्रो और थैंक यू ब्रो। भाई बस सिर्फ ये लिख देते ना कि मिनाल भाई आपकी वजह से मेरा वीजा लगा वो भी चलता। Forget about these haters. My age is 28 at this time. Can I come to Germany for graduation in information technology field? Na, agar aapne university walon ko convince kar liya ki haan aap asli mein padhai mein interested ho aur phir aapne embassy ko convince kar liya ki haan aap asli mein पढ़ाई में इंटरेस्टेड हो और आप वहाँ कुछ और फनी बिजनेस करने नहीं जा रहे तो क्यों नहीं, आप जरूर पढ़ने आ सकते हो। एजुकेशन इज एवरीवन्स राइट इन यूरोप। इज एमबीए फ्री इन जर्मनी, कैन एनीवन टेल मी प्लीज? जी कुछ यूनिवर्सिटीज में एमबीए फ्री है, उसका मगर मेरिट बहुत हाई होता है, आपको ज्यादा परसेंटेज लानी होती है ये वाला कोर्स बिजनेस का कोई भी कोर्स पढ़ने के लिए। मगर दूसरी बात यह है कि बिजनेस यूनिवर्सिटीज में फीस भी होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं बिजनेस जो पढ़ाती हैं वो फीसेस भी लेती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। द लास्ट जोक ऑफ द वीडियो वाज एपिक। अच्छा वो वाला जोक मैं कंप्लीटली काटने वाला था, मैंने बोला था कि हाँ अगर आप लोगों को देखनी है तो देखें मेरी वीडियो, वरना अपनी मम्मी के साथ मेरे पास तुम वो देखें, वो मैं कंप्लीटली काटने वाला था मगर मैंने बोला नहीं एंड में डाल देता हूँ। थैंक यू ब्रो। और सेकंड बेस्ट कमेंट मुझे ये लगा भाई फुल एग्रेसिव, माय फादर इज अ कंसल्टेंट एंड ही टेल्स मी दैट इट सेव्स पीपल्स टाइम्स and moreover let the expert handle these matters। मैं भी इसी बात पे believe करता हूँ, मगर कुछ लोग होते हैं जो खुद से करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, सारी यूनिवर्सिटीज के नाम भी बता दिए। ब्रो स्टडी इन फिनलैंड के ऊपर वीडियो बना, फिनलैंड जाना है, फिनलैंड तो मुझे भी जाना है, सही है मैं फिनलैंड के ऊपर वीडियो बना दूंगा। मिनाल भाई आपका ईमेल एड्रेस मिलेगा, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, ये रहे नाम और वहां पे मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। ओके अगर आप लोगों के कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं अगली वीडियो में जवाब दूंगा। तो फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, तो फिर कल मिलते हैं ना, पीस आउट।